नमस्कार, मैं हूं आपकी नेबरहुड इंग्लिश टीचर और आज हम सीखेंगे ऐसे दो प्रेपोजिशंस जो कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। लेट्स बिगिन। आज की प्रेपोजिशंस हैं डिस्पाइट और इनस्पाइट ऑफ। बोथ दीज प्रेपोजिशंस मीन बावजूद। नाउ स्टूडेंट्स या स्पीकर्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कब इनस्पाइट ऑफ का इस्तेमाल करना है और कब डिस्पाइट का। लेट मी टेल यू द सीक्रेट, एंड द सीक्रेट इज देयर इज नो सीक्रेट। यस, यू कैन यूज डिस्पाइट एंड इनस्पाइट ऑफ इंटरचेंजेबली इन अ सेंटेंस। जैसा कि नीरज चोपड़ा वन द गोल्ड इन जेवलिन थ्रो इन स्पाइट ऑफ द टेरिबल सपोर्ट ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग फ्रॉम द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस में यू कैन ऑल्सो से नीरज चोपड़ा वन द गोल्ड इन जेवलिन थ्रो डिस्पाइट द टेरिबल सपोर्ट ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग फ्रॉम SAI। जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता और इनस्पाइट के बाद लगाना ही लगाना है। सो बी केयरफुल, डू नॉट से डिस्पाइट ऑफ और सिर्फ इनस्पाइट। अब देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली कैन यू पुट विथ डिस्पाइट एंड इनस्पाइट ऑफ इन अ सेंटेंस टू मेक सेंस। जिन वाक्यों में डिस्पाइट या इनस्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन आप लगाते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि आपको एक से अधिक क्लॉज का इस्तेमाल करना पड़ता है। डिस्पाइट या इनस्पाइट ऑफ दोनों ही डिपेंडेंट क्लॉज में आते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया होता है वो आता है। जैसे आप कहना चाहते हैं एक्स के बावजूद वाई हुआ, सो एक्स इज योर डिपेंडेंट क्लॉज एंड वाई विल बी योर इंडिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन एक्सेल एट टोक्यो डिस्पाइट द लैक ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन आर कंट्री। वंदना कटारिया फेसेस क्लास्टिस्ट स्लर्स इन स्पाइट ऑफ इंटरनेशनल मेडल वर्दी परफॉर्मेंस। इन दीज सेंटेंसेस दीज आर द डिपेंडेंट क्लॉजेस एंड दीज आर द इंडिपेंडेंट वंस। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहचानने की ट्रिक ये है कि डिपेंडेंट क्लॉज अकेले खड़ा नहीं हो सकता। यानी अगर आप उसे मेन सेंटेंस से हटा के अलग देखते हैं तो वो अनग्रामेटिकल और अधूरा सा लगेगा, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज रह सकता है। अब देखते हैं आप डिस्पाइट और इनस्पाइट ऑफ कहां कहां लगा सकते हैं या इनके साथ भाषा के कौन से एलिमेंट्स ग्रामेटिकल हैं। संज्ञा, यू कैन पुट अ नाउन और अ नाउन फ्रेज आफ्टर यू यूज डिस्पाइट एंड इनस्पाइट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, Despite their success in Tokyo Olympics, the one thing people searched for the most on Google were PV Sindhu and Mirabai Chanu's cast. This is the noun phrase in this sentence. The second thing you can put after despite or in spite of is a gerund. A gerund is a noun that you create after adding ing to a verb. For example, singing, winning, screaming. एक सेंटेंस देख लेते हैं। अमीश देवगन स्क्रीमिंग हैजंट स्टॉप्ड ऑन टीवी, हैज इट? यू गेट माय पॉइंट। लेट्स सी अ सेंटेंस विद अ जेरंड एंड आवर चोजन प्रेपोजिशंस। इन स्पाइट ऑफ विनिंग मेडल्स फॉर द कंट्री, फीमेल एथलीट्स आर कैजुअली रेफर्ड टू एज भारत की बेटी इंस्टेड ऑफ भारत की एथलीट। When Manu Bhakar's gun malfunctioned at the shooting event, no one from her management team approached the repair outlet of the gun company despite it being located nearby. The final element that can come after despite and in spite of are phrases that begin with how and what. For example, despite how she was treated by people who never thought she could make it, Assamese pugilist Lavlina Borgohai won the state's first ever medal at the Olympics. In spite of what happens to India's medal tally at Tokyo, the credit for everything has been awarded to none other than the Honorable Prime Minister Narendra Modi by his beloved media houses. So, umeed hai aapko despite or in spite of ka usage samajh aaya hoga. Follow my Instagram handle Miss Medusa for regular English classes and concept clarity. Aur tab tak yaad rakhiyega, despite what the society may tell you, अंग्रेजी केवल एक भाषा है, आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं। नमस्कार।